था इस गुजरात धमाका बिग बैश लीग में, 70-70 प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश लीग, हेमंत जी बनियाल, तारीफ सैयद, निकेत द्वारा ये आपके सामने रखा गया सेकंड एडिशन है 70-70 गुजरात धमाका बिग बैश लीग का। विकी भोईर पहली गेंद स्लॉट में थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल कर भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। मैंने पहले भी कहा था एक्स्ट्रा कवर, कवर में बढ़िया टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करते योगेश पेनकर फाइटर जेट के बल्ले से, फाइटर चार। वैसे भी टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो ऑफ साइड के ऊपर खेलने वाला सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है योगेश पेनकर। जब भी इनको हाफ वॉली मिलती है या थोड़ी सी भी विट मिलती है, ये एक्स्ट्रा कवर वाइड लॉन्ग ऑफ को बिल्कुल भी टारगेट करने में हिचकिचाता नहीं है। एक बेहतरीन शॉट नजर आया, फुल फेस ऑफ द बैट, ये इनकी खासियत है। टाइमिंग प्रॉपर बल्ले से उनके, पटकी हुई गेंद थी, इसे भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, यूज इट। ये छोटा तीर घाव करे गंभीर, जैसे ही गेंद उनके पाले में थी उन्हें पता था जल्दी पोजीशन में आए और ये देखिए उनकी आंखों में दिखता हुआ ये छक्का। दो गेंदें अलग अलग, दोनों पे अलग अलग परिणाम, हाफ वॉली को चौके में तब्दील किया, हल्की सी छोटी सी गेंद मिली उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार, इट्स लाइक अ वेलप, बिल्कुल उसी प्रकार से जो स्वीट स्पॉट के ऊपर लगी थी। और योगेश पेनकर के पास ये भी एक खासियत है कि अगर थोड़ा सा भी उछाल मिला तो ये एक बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग पे पुल शॉट काफी अच्छा खेलते हैं। और अब यहां से स्कोर का आगे बढ़ेगा 18 रन। सभी स्ट्रोक उनके बल्ले से अब तक हमें देखने मिले, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, ड्राइव उसके बाद स्क्वायर ड्राइव, ये पुल शॉट, स्लोर वन, टिक किया गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये नहीं रुकने वाले फाइटर जेट योगेश पेनकर के बल्ले से बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। यहां पे योगेश पेनकर की बल्लेबाजी देख के लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि ये स्लोअर वन भी बहुत अच्छा पड़ रही है। देख लीजिए, हल्का सा रोका अपना बल्ले को, थोड़ा टाइम लिया और फिर से उसी दिशा में गेंद को भेजा वहां पे वो चाहते थे। बिल्कुल मैं मानूंगा योगेश पेनकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कौन गेंदबाज है देख लीजिए, विक्की भोईर, उसके सामने काउंटर अटैक। स्लोअर वन गेंद थी, ऑफ कटर का प्रयास था, गेंद पर उंगलियां फेरी थी लेकिन पहले से भाप लिया था बल्लेबाज योगेश पेनकर ने, दे घुमा के स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24 विदाउट लॉस, MUCC संबलपुर ओडिशा, रन बनाने हैं 72। जिस अंदाज में पहले पारी में बल्लेबाजी हुई थी सरोज प्रमाणिक द्वारा, बिल्कुल उसी अंदाज में स्टार्ट बेहतरीन रहा, वेल बिगन इज हाफ डन, जबकि पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, 9 गेंदे समाप्त, रन संख्या 24। आगे रखा, स्लॉट में थी, पाले में थी, भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव 6 रनों के लिए, फाइटर जेट फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए। खुद से यदि अगर मैं हार गया ये अलग बात है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, योगेश पेनकर रुकने वाला नहीं है। क्या बल्लेबाजी यहां पे, पूरी तरीके से इन्होंने इस ओवर में अपना एक अलग रेपुटेशन खड़ा किया है, ये नहीं रुकने वाले। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 30 विदाउट लॉस, MUCC संबलपुर, फाइटर जेट योगेश पेनकर, ही इज ऑन फायर नाउ, लाजवाब बल्लेबाजी। स्क्वायर ड्राइव से शुरुआत की थी, सिंगल के साथ वाइड बॉल पर शुरुआत हुई थी, पैडल स्वीप के साथ, लेकिन इसके बाद ओहो, ये देखिए फुल फेस ऑफ द बैट, चेहरा दिखाते हुए इस गेंद को सीधे बल्ले से भेज दिया डाउन द ग्राउंड, 6 रन, तालियां बजती रहनी चाहिए फाइटर जेट अब उफान पर। 4 गेंदों में 4 मैक्सिमम जड़े यहां पे, कमाल की बल्लेबाजी। जो पिछला जो शॉट था ना, एक बार इनका फॉलो थ्रू देख के बिल्कुल फोटो फ्रेम में जड़ने लायक। मुझे 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जब डेमियन फ्लेमिंग को सामने खेला था ना, वो सिक्स आज मुझे याद आ गया। व्हाट अ शॉट, सीधे बल्ले से तीर के मानो, सीधे बल्ले से 6 रन उड़ा दिया था इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर बल्लेबाज योगेश पेनकर। 4 गेंदों में 4 छक्के, पहली गेंद पर 4, 28 रन इस ओवर से, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 36।
क्या पांचवा? जी हां, फ्लैट एंड फ्यूरियस योगेश पेनकर के बल्ले से पांच गेंदों में पांच छक्के। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। आज हारती टीम बाहर हो जाएगी, आज खेलने का मजा आ रहा है क्योंकि रिस्क है। अगर आप हारोगे तो एक साल आपको यहां पर रुकना होगा, याद करना होगा कि कब आएगा गुजरात धमाका बिग बैश लीग।